जैसा कि हम समस्त लोगों को जानकारी है कि आज ही कश्मीर में जो पुलवामा जिला है, मैं अमिताभ दीक्षित यहाँ का वाराणसी का एक समाज सेवी सोशल वर्कर। आज यहाँ पे हम लोगों ने उधम सिंह पार्क गिरजाघर पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, श्रद्धांजलि सभा का और मौन का। आज ही के दिन कश्मीर के पुलवामा जिले में हमारे सीआरपी के जवानों के ऊपर बस के अंदर जिस तरीके से आरडीएक्स रख करके उस बस के पर छक्के उड़ा दिए थे, जिसपे हमारे सीआरपी के जवान शहीद हुए थे, आज उसी के घटना के आज के दिन हम लोग यहाँ उधम सिंह पार्क पर श्रद्धांजलि सभा और मौन श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं और अपने दिवंगत सेना के जवानों को हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यह हम आज प्रण करते हैं कि हम देश के जवानों के साथ भारत के सारे नागरिक कंधे से कंधे मिला के हमेशा उनके साथ रहेंगे और भारत माता की रक्षा के लिए हम भी अपने प्राणों की न्योछावर करेंगे। बोलो भारत माता। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।